दोस्तों हफ्ते की शुरुआत होते ही टेक वर्ल्ड में क्या क्या हो गया आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं फटाफट से पहली लॉन्च से। Xiaomi ने पहले ही अनाउंस किया था अपना 67 वॉट का मी चार्जर जो कि आज इंडिया में लॉन्च हो गया। इंट्रोड्यूसरी प्राइस 1999 रुपए रखी है। ऑनलाइन आप आज से ही इसे परचेज कर सकेंगे। लेकिन कमाल की बात आपको बता दूं कि Xiaomi के पास इस समय सिर्फ मार्केट में मी 11 स्मार्टफोन ही मौजूद है जो कि इतने वॉट का चार्जर सपोर्ट कर सकता है। तो आपको फास्ट चार्जर अगर चाहिए तो इसे परचेज कर सकते हैं सुपरसोनिक 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि Xiaomi ने कुछ महीने पहले अनाउंस किया था कि वो इलेक्ट्रिक कार बिजनेस में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े मोटर मैन्युफैक्चरर से उसने मीटिंग की, लेकिन कोई भी कंपनी फिलहाल अभी तक कोलैब करने के लिए तैयार नहीं हुई। अब कंपनी के हेड को देखा गया है एक और चाइनीज मोटर मैन्युफैक्चरर SAIC के ऑफिस में। अब इससे यही सुपुहाट लग रही है कि शायद कंपनी अब यहां पर अपने जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक कार का वहां तलाश रही है। देखते हैं दोस्तों इस मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है। Xiaomi के दोस्तों पुरानी आदत है कि एक फोन को 3-3, 4-4 नाम से अलग अलग मार्केट में लॉन्च करता है। यह आदत उसकी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है 20 जुलाई को एक बार फिर Redmi Note 10 सीरीज का स्मार्टफोन Note 10T 5G लॉन्च होगा इस तारीख को। अब ये फोन डिजाइन और स्पेक्स वाइज पोको M3 Pro 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन है जिसके प्राइस भी इंडिया में टिप हो गए हैं। Amazon पर लिस्टेड हो गया है फोन और वीडियो भी इसके Amazon पर पोस्ट कर दी गई है। फिलहाल इसके प्राइस 20,000 के तकरीबन इंडिया में रहने वाले हैं। मैं अपना गैस अगर बताऊं दोस्तों तो शायद ये 18,999 या 90 के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। वीवो की V21e सीरीज के अभी इंडिया में मॉडल भी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हो पाए हैं, लेकिन वीवो की V23e सीरीज सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट की जा रही है। यानी कि इस सीरीज में वी सीरीज में V22 को कंपनी ड्रॉप कर रही है और सीधे V21e के बाद में V23e लाने जा रही है। अब इसमें स्पेसिफिकेशन थोड़े ही दिनों में स्पॉट किए जाने लगेंगे। फिलहाल जो डिटेल सामने आई थी आपके साथ साझा कर दी है। दोस्तों Amazon पर अब तक आपने ढेर सारे ऑफर्स डील्स बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ई स्पोर्ट चैंपियनशिप जैसी चीज आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब Amazon ने अनाउंस कर दिया है कि वो प्राइम डे सेल वैलोरेंट चैंपियनशिप शुरू करने जा रहा है जो कि 14 जुलाई से शुरू होगी, 27 जुलाई तक चलने वाली है। 128 से ज्यादा टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और जीतने वाली टीम को 3 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। तो ये दोस्तों देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ई कॉमर्स का ई स्पोर्ट चैंपियनशिप कैसा धमाल मचाता है। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया तो ऐसी है, कब यहाँ पर क्या पोस्ट कर दिया जाए पता नहीं चलता है। ऐसा ही कुछ हो गया है ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G फोन के साथ में। लॉन्च से पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट हो चुकी है। और दोस्तों पोस्ट तो हुई लेकिन यहां से कुछ स्क्रीनशॉट भी निकल के आ गए जिसमें इंडियन प्राइस इस फोन के क्या रहने वाले हैं वो भी लीक हो चुके हैं। 46,999 रुपए MRP बॉक्स पर दिखाई दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की राय है कि शायद इंडिया में इसे 43,000 रुपए की रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जिसकी अभी भी फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन वो अपनी कॉस्ट को लेकर दोस्तों अभी भी मार्केट में बहुत उलझन में दिखाई देता है। फिर भी नोकिया कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे नए फोन्स मार्केट में लाए जाए ताकि लोगों के बीच में उसका नाम बरकरार रहे। ऐसा ही एक फोन C30 स्पॉट हुआ है Geekbench पर और इसका एक रेंडर भी लीक हो गया है। फिलहाल रेंडर के हिसाब से आपको बता दूं कि इसमें सर्कुलर मॉड्यूल जो अभी तक हम नोकिया के फोन में देख रहे हैं वैसा ही मिल रहा है। पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, वाटर ड्रॉप नोच मिल रही है और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। अब स्पेस वगैरह दोस्तों इंतजार रहेगा, फोन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। उम्मीद यह है कि शायद अगस्त के फर्स्ट वीक में ही इसे कंपनी लॉन्च कर दे। दोस्तों 22 जुलाई का इंतजार आप में से बहुत से लोगों को होगा क्योंकि OnePlus Nord 2 5G इस दिन लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि वो सिर्फ फोन को ही नहीं बल्कि साथ में एक और भी डिवाइस लॉन्च करेगा। ये डिवाइस क्या है दोस्तों? OnePlus Bud Pro, यानी कि आपके लिए एयरबड भी लेके आ रहा है OnePlus, जिसको लॉन्च किया जाएगा दोस्तों
काफी रेंडर हम लोग इसके देख चुके हैं। फिलहाल कंफर्म होने के बाद दोस्तों इंतजार करते हैं, इसके प्राइस वगैरह भी एक दो दिन में कंफर्म हो जाएंगे। इसमें बात करेंगे पबजी मोबाइल के बारे में। वैसे इंडिया में तो फिलहाल ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से है, लेकिन दोस्तों हर चीज की जानकारी होना जरूरी है। क्राफ्टन मोबाइल और साथ में पबजी ने दोनों ने मिलकर टेस्ला के साथ में कोलैबोरेशन किया है, 1.2 अपडेट दे दिया है, जिसमें कि टेस्ला का वाई मॉडल जो है कार का वो गेम के दौरान ही दिखाई देगा। हम ढेर सारी कार्स आप देखते हैं गेम के दौरान, लेकिन आपको अब टेस्ला मॉडल वाई भी देखने को मिलेगा। और साथ में दूसरी कंपनियों के साथ में भी कंपनी बात कर रही है, और भी बहुत सारी नई चीजें गेम में देखने को मिल सकती हैं। जो भी होगा दोस्तों अपडेट आपको आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। फिलहाल ये भी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जोड़ दीजिए चैनल साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।